जय श्री राम साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो पॉपुलर हेयर वाइटमिन सप्लीमेंट के बारे में। एक आता है ओजिवा ब्रांड की तरफ से जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, सेकंड आता है ट्राया की तरफ से जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। ओजिवा अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुका है लेकिन ट्राया जो है अभी करने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे साइड बाय साइड। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रिव्यू होने वाला है। मैं दोनों के ही अच्छी चीजें बताऊंगा और दोनों की ही गलत चीजें या खराब चीजें बताऊंगा। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके लिए कौन सा ज्यादा बेस्ट है, बिकॉज दोनों ही सप्लीमेंट्स अपनी जगह पे काफी अच्छे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, आपकी सिचुएशन के हिसाब से या आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए कौन सप्लीमेंट बेस्ट रहेगा वो चीज हमें पता नहीं होता। तो उसके लिए आपको आज की वीडियो से हेल्प मिल जाएगी। सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। इंडिया में जो है सबसे ज्यादा जो मेजर रोल प्ले करता है वो है प्राइसिंग। देखिए, जो ट्राया हेयर वाइटमिन कैप्सूल है उसके अंदर आपको 30 कैप्सूल देखने को मिलते हैं। ऑन दी अदर हैंड ओजिवा हेयर वाइटमिन के अंदर आपको 60 कैप्सूल देखने को मिलते हैं। ट्राया की जो प्राइस है वो है 500 रुपीज। ऑन दी अदर हैंड ओजिवा की जो प्राइसिंग है वो है 854 रुपीज उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। लेकिन अगर आप अमेजोन पे बात करें तो ये 758 रुपीज का है। ऑलमोस्ट 100 रुपए का डिफरेंस आपको मिलता है अमेजोन और उनके ओरिजिनल वेबसाइट पे। तो थोड़ी सी मेरे लिए क्लीशे थिंग है कि आप साइट पे 100 रुपए ज्यादा एक्सपेंसिव बेच रहे हो और अमेजोन पे आपका 100 रुपए सस्ता है। एक ही प्राइसिंग होनी चाहिए ना, क्योंकि इससे लोगों के मन में ये डाउट आता है कि क्या वेबसाइट वाला ओरिजिनल है या अमेजोन वाला ओरिजिनल है। बिकॉज अगर वेबसाइट वाला ओरिजिनल है तो आपने अमेजोन पे फिर क्यों लिस्ट किया हुआ है, और अगर दोनों ही ओरिजिनल है तो प्राइसिंग में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो ये चीज ओजिवा को फिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये चीज जो है लोगों के मन में डाउट्स पैदा करती है। अभी के कंपैरिजन के लिए हम इसका प्राइस जो है 758 ही लेंगे, 854 नहीं लेंगे, ठीक है। तो 758 या 760 ले लीजिए। यहाँ पर 160 रुपए का फर्क आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि ट्राया के अंदर आपको 500 रुपीज में मिल रहा है और यहाँ पर आपको जो है 150 रुपया महंगा मिल रहा है। ओजिवा 60 कैप्सूल ऑफर करता है, ट्राया 30 कैप्सूल ऑफर करता है। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 60 कैप्सूल से ज्यादा मिल रही है, यहाँ पर कम मिल रही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्राया की अगर आप डोजेस की बात करें तो आपको ब्रेकफास्ट के बाद में एक ही कैप्सूल लेना होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ओजिवा की बात करें तो आपको ब्रेकफास्ट के बाद एक कैप्सूल लेना होता है और एक कैप्सूल आपको लेना होता है डिनर के बाद में। तो दोनों ही सप्लीमेंट्स आपके 30 दिन ही चलने वाले हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये 60 कैप्सूल दे रहा है तो ये ज्यादा तो ये थोड़ा सा महंगा होगा और ये 30 दे रहा है तो सस्ता होगा, क्योंकि चलने वाले दोनों ही 30 दिन ही है। हम इनके न्यूट्रिशन प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो न्यूट्रिशन अगर हम प्रोफाइल की बात करें, अब सबसे पहले हम बात करें ओजिवा की। ओजिवा के अंदर एक चीज जो कि मुझे मिसिंग लगती है वो है डीएसटी ब्लॉकर। ट्राया के अंदर आपको डीएसटी ब्लॉकर मिलता है पंपकिन सीड एक्सट्रैक्ट के रूप में। डीएसटी क्या है, डीएसटी के बारे में मैंने अभी डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था कुछ टाइम पहले। तो डीएसटी है डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये आपके टेस्टोस्टेरोन का एक बाय प्रोडक्ट है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन से जो है 100 टाइम्स मोर पावरफुल होता है। ये आपके बालों के लिए अच्छा भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। अगर इसकी मात्रा ज्यादा है तो ये आपके हेयर फॉल को कॉज करेगा, लेकिन अगर इसकी मात्रा कम है तो ये आपके बालों की मजबूती के लिए भी अच्छा है। तो यहाँ पर जो ओजिवा हेयर वाइटमिन है इसके अंदर आपको किसी भी तरह का डीएसटी ब्लॉकर नहीं मिलता। ये जो सप्लीमेंट है ये फोकस करता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को क्योर करने के लिए। लेकिन जो ट्राया का है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के साथ साथ आपका डीएसटी ब्लॉकिंग में भी आपको हेल्प करेगा। तो ये ट्राया के सप्लीमेंट को एक थोड़ा सा एज दे देता है, थोड़ा सा बेनिफिट दे देता है। डीएसटी ब्लॉकर का ना होना ओजिवा सप्लीमेंट में मेरे लिए एक कंसर्न बन जाता है, तो इसलिए शायद मैं इसे परचेज ना करूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओजिवा के पास में डीएसटी ब्लॉकर सप्लीमेंट नहीं है। ओजिवा के पास में जैसे कि हेयर वाइटनिंग सप्लीमेंट है, ऐसे ही एक डीएसटी ब्लॉकर सप्लीमेंट भी है। लेकिन वही बात है, आपको फिर दो सप्लीमेंट्स लेने होंगे। एक आपको लेना होगा अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, और आपको दूसरा लेना होगा डीएसटी को ब्लॉक करने के लिए। तो यहाँ पर दो डबल खर्चा हो जाएगा आपको, लेकिन ट्राया के सप्लीमेंट में आपका खर्चा बचेगा। अगर आप इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो पर सर्विंग जो है 2 कैप्सूल्स की है और 500 मिलीग्राम का ईच कैप्सूल है। तो इसके अंदर आपको सेसजेन बायो यानी कि सेसमेनिया ग्रैंड फिलोरा और आपको बायोटिन लीव्स नेचुरल वाइटमिन एंड मिनरल का ब्लेंड इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको 2 mg जिंक, 3.5% आयरन और इसके अंदर आपको वाइटमिन ई 4.68 mg। दूसरा इसके अंदर आपको एलोवेरा देखने को मिलता है और इसके अंदर आपको ब्रह्मी मोरिंगा ये सब चीजें जो है देखने को मिलती है। एक चीज यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा कि जो ओजिवा का न्यूट्रिशन प्रोफाइल है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है। उसके अंदर 3 ही चीजों के ऊपर मेनली टारगेट किया हुआ है, अंदर क्या क्या डाला गया है इतना क्लियरली नहीं बताया गया है। तो वो एक मेरे लिए कंसर्न बन जाता है। यहाँ पर जो है 3 चीजों के ऊपर फोकस किया गया है। पहला है सेसजेन बायो
जो कि आपकी हेयर डेंसिटी और हेयर थिकनेस को बढ़ाएगा। दूसरा है नेचुरल विटामिन एंड मिनरल का ब्लेंड जो कि हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा और सपोर्ट करेगा स्ट्रॉन्ग हेयर को। तो यहाँ पर सिर्फ ब्लेंड और यहाँ पर नेचुरल विटामिन और मिनरल्स का ब्लेंड शो किया गया है। ब्लेंड के अंदर क्या क्या चीजें डाली गई, कौन कौन से इंग्रीडियंट्स पर्टिकुलरली डाले गए हैं वो यहाँ पर क्लियरली नहीं बताया गया। परसेंटेज में बताया गया है तो एक्यूरेट नहीं बताया गया है, तो इतना कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, परसेंटेज निकालने कोई नहीं बैठा यहाँ पे। तो क्लियरली होनी तो क्लैरिटी होनी चाहिए इंग्रेडिएंट्स को लेकर, जो कि यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ब्लेंड शो कर दिया गया है, उस ब्लेंड के अंदर क्या डाला गया है एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता। थर्ड है इसके अंदर हर्ब्स का ब्लेंड है। हर्ब्स कौन कौन सी है इसमें, मुझे एक तो ब्रह्मी दिखा और मोरिंगा दिखा, उसके अलावा मुझे कोई हर्ब इसके अंदर नहीं दिखी है। ये जो हर्ब का जो ब्लेंड है ये आपके डैमेज स्कैल्प को रिपेयर करता है, साथ ही साथ हेयर फॉल को रिड्यूस करता है। ये जो सप्लीमेंट है ये वीगन है, सोय फ्री है, ग्लूटेन फ्री है और नॉन जीएमओ है। तो ये था आपका न्यूट्रिशन प्रोफाइल ओजेवा सप्लीमेंट की। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्राया के सप्लीमेंट की न्यूट्रिशन प्रोफाइल, और वहां पर हर चीज आपको क्लियरली देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर एक कैप्सूल की सर्विंग है, तो जैसे कि यहाँ पर ओमेगा 3 पाउडर आपको मिलता है 100 mg और विटामिन ए आपको मिलता है 240 mcg जो कि 24% है इसकी RDA वैल्यू। विटामिन सी है 20%, विटामिन डी है 4 mcg, विटामिन ई है 4 mg, विटामिन B9, B12, बायोटिन, B5, आयरन, जिंक, सेलेनियम, फोटोस्ट्रॉल, भृंगराज, ग्रीन ट्री, पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट, लाइकोपिन और पम्पकिन सीड। इसके अंदर ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन एक कमी जो कि मुझे ट्राया के सप्लीमेंट में लगती है कि इनकी जो RDA वैल्यूज यानी कि रिकमेंडेड डेली अलाउंस ये काफ़ी ज़्यादा कम है। यानी कि एक कैप्सूल आपके सारे न्यूट्रिशन जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं उसे फुलफिल नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो विटामिन ए आपको मिलता है सिर्फ 24%, विटामिन सी आपको मिलता है सिर्फ 20% और विटामिन डी आपको मिलता है 26.6%। तो यहाँ पर इसकी एक कैप्सूल तो आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रही, लेकिन अगर आपकी यहाँ पर इसकी दो कैप्सूल्स अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो शायद आप उस RDA वैल्यू को काफी हद तक फुलफिल कर पाते। लेकिन आई डोंट नो ट्राया ने सिर्फ एक हेयर विटामिन कैप्सूल का कॉन्सेप्ट क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है हमें दो की, जैसे कि ओजीवा ने दो रखा हुआ है। यहाँ पर आपको न्यूट्रिशन काफी कम मिल रहा है जैसे कि इसकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर ट्राया से अगर ये कोई वीडियो देख रहा है तो आपको दो कैप्सूल पर डे रखनी चाहिए, क्योंकि एक से तो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही है। जो हेयर विटामिन है वो क्या करता है, ये आपके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की। इसके अंदर नेचुरल DHT ब्लॉकर है, ये आपकी स्किन को हेयर को हेल्दी रखता है और आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये भी कुछ सर्टिफिकेशंस के साथ आता है, जैसे कि नो एलर्जेंस है, इसके अंदर किसी तरह का शुगर नहीं है, कि कोई इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, नॉन GMO है, GMP सर्टिफाइड है, FSSAI सर्टिफाइड है, मेड इन इंडिया है एंड ये प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट है। सो अगर प्राइसिंग वाइज बात करें तो ट्राया सस्ता है। अगर आप न्यूट्रिशन प्रोफाइल की बात करें तो ज्यादा क्लियर है ट्राया के अंदर, ओजिवा के अंदर इतनी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो एक कैप्सूल का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर गलत है, क्योंकि ऑलमोस्ट दो कैप्सूल आपको डेली बेसिस पे चाहिए ट्राया हेयर विटामिन्स की, लेकिन वहां पर स्ट्रिक्टली बोला गया है कि आपको ब्रेकफास्ट के बाद में एक ही कैप्सूल लेना है, जो कि इसके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं, जो कि न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करती है। तो देखा जाए तो कुछ एज ओजिवा के पास में है और कुछ एज ट्राया के पास में है, तो यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन सा होगा कि कौन सा वाला सप्लीमेंट हमें लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अपना नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है और आपको ऐसा लगता है या आपको ऐसा पता है कि आपके जो फैमिली है उसमें जीन्स बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके बड़े भाई के बाल जड़े हैं या आपके फादर के बाल थिन है, ज्यादा अच्छे नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो आपके बाल भी मोस्ट प्रोबेबली इतने हेल्दी नहीं होंगे। ये चीज जो है मदर साइड से भी आ सकती है। तो नेचुरल DHT ब्लॉकर का आपकी डाइट में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज DHT ही है जो कि आपके बालों के जो हेयर फॉल है उसे स्टॉप करेगा। आप कितना ही अच्छा डाइट ले लीजिए, लेकिन अगर नेचुरली आपके बॉडी में DHT का अगर आपके बॉडी में जेनेटिकली ऐसा है कि DHT ज्यादा बन रहा है तो ये हेयर फॉल कॉज करेगा ही, इसलिए आपके डाइट में एक नेचुरल DHT ब्लॉकर होना ही चाहिए, ठीक है। ये मस्ट बाय हो जाता है। तो जेनेटिकली बॉल्डनेस का इश्यू है तो आपको ट्राया वाले के लिए जानना चाहिए, लेकिन अगर आपको सिर्फ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से है, कैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कोस्टल में रहते हैं और आप उतनी अच्छी डाइट नहीं ले पाते, या आपके एरिया में पानी बहुत ज्यादा खराब है, या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है और आपको लगता है कि मेरा हेयर फॉल इतना ज्यादा तो नहीं है और कोई जेनेटिकली ऐसा इशू नहीं है
कि आपके फैमिली में सबके बाल अच्छे हैं तो आपको जेनेटिक इशू नहीं होगा, ये काफी कम इसकी पॉसिबिलिटी हो जाती है। सो ऐसा है कि आपके जेनेटिकली कोई इशू नहीं है, आपको छोटा मोटा हेयर फॉल हो रहा है और आपका जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है आप फुलफिल नहीं कर पा रहे डाइट के थ्रू, आपके बिजी स्केड्यूल की वजह से आप हॉस्टल में रह रहे हो, तो आपको जाना चाहिए ओजिवा के साथ में। लेकिन आपको ये चीज़ पता है कि मेरा जेनेटिक इशू है और मेरे बाल गिरेंगे ही गिरेंगे, ट्राया वाले के साथ में जाना चाहिए, बिकॉज वहाँ पर आपको नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर भी मिल जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा, तो ये एक अंतर मैंने आपको बता दिया है दोनों सप्लीमेंट्स के अंदर। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स को दोनों ही फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन डीएसटी ब्लॉकर की वजह से ट्राया वाले को एक एज मिल जाता है ओवर ओजिवा सप्लीमेंट। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो, किसी भी रीजन से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो आप कर सकते हैं। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ दोस्तों, तब तक आपसे करें शुभ रहे।